तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंटरनेट को बहुत ही आसानी से लॉक कर सकते हो। दोस्तों इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था इसके ऊपर और उसमें भी आपको बताया था कि आखिर इंटरनेट को कैसे लॉक करते हैं एंड्रॉयड मोबाइल में। तो गाइस उस वीडियो में आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें दिया और थैंक्स कि आपने उस वीडियो को लाइक और कॉमेंट भी किया और अपने दोस्तों के पास शेयर भी किया। तो गाइस इसीलिए मैं एक और नया ट्रिक लेकर के आया हूँ और इस वीडियो में मैं उस वीडियो से सबसे अलग बताने वाला हूँ कि आखिर इंटरनेट को लॉक कैसे करते हैं। और उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम भी आ रही थी लोगों को कि हमारे फ़ोन में ऐप पे नहीं हटा और क्या करूँ। तो चलिए मैं एक और नया ट्रिक लेकर आया हूँ जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ आप बने रहिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं वीडियो को तो हमें मोटिवेट होता है कि मैं आगे भी इसी तरह का वीडियो लाऊँ। तो दोस्तों अगर कुछ आपको पूछना रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमित और आप सब देख रहे हैं ट्रिकर अमित। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा सकता हूं, यहां पे आप देख सकते हो हमारे फ़ोन का स्क्रीन है और मैं यहां से इंटरनेट को ऑन कर लेता हूं। और गाइज मैं यहाँ से अपने यूट्यूब को ओपन करता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अपना यूट्यूब को ओपन कर लिया और यहाँ पर हमारा यूट्यूब जो है वो आसानी से ओपन हो गया है, यानी कि गाइस हमारा नेट जो है वो अभी चल रहा है। तो चलिए फ़िलहाल मैं इस नेट को बंद कर देता हूँ यहाँ पर। अब आप देख सकते हो कि हमारा नेट जो है वो बंद हो गया है और फिर से मैं जब यूट्यूब को ऑन करता हूँ तो हमारा यूट्यूब जो है जो नहीं चल रहा है। तो गाइस आपको करना क्या है, मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ वो बहुत ही आसानी सा ट्रिक है और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। तो वो ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पे गाइज आपको मोबाइल नेटवर्क एक दिखेगा, तो आपको ये मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे करना क्या है, ऊपर में नेटवर्क मोड दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपको जो भी सिम में नेट रहे उस सिम को आपको सिलेक्ट करना है। मेरा सिम वन में नेट है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और गाइज मेरा जो नेट है वो जियो 4G का है। तो आपको करना क्या है, अगर आपका भी जियो 4G है तो आपको LTE 3G 2G जो दिख रहा है उससे हटा कर सिर्फ 2G ओनली या फिर 3G ओनली पे क्लिक कर देना है। अगर गाइज आप इतना करते हो और इसके बाद आप अपने नेट को ऑन कर लेते हैं, देखिए मैं यहाँ से नेट ऑन कर लेता हूँ। और नेट ऑन करने के बाद अब जब जैसे ही आप नेट को ऑन कर लेंगे और जैसे ही आप YouTube या कोई भी साइट को खोलेंगे तो वह साइट आपका नहीं खुलेगा। देखिए मैं यहाँ से खोल कर आपको दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो साइट है वो नहीं खुला है और मेरा यहाँ पर इंटरनेट भी आप देख सकते हैं कि मेरा इंटरनेट भी ऑन है। तो गाइज इस तरह से इंटरनेट लॉक हो जाएगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपको अनलॉक भी कैसे करना है। गाइज ये काम कब आएगा मैं आपको बता दूं कि जब आपका दोस्त आपके फ़ोन ले लेता है। मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी ये बात बता चुका हूं और जो लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो को वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर लिंक पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। हाँ मैं आपको बताने वाला था कि कैसे ये काम करता है और क्यों करता है, हमें क्यों ये करना चाहिए। तो गाइज इसके लिए आपको मैं बता देता हूं कि जब आपका दोस्त आपका फ़ोन लेता है और वो इंटरनेट को लॉक कर लेता है और आप उस फ़ोन को इंटरनेट नहीं चला पाते हो, मतलब वो यही सोचकर इंटरनेट को लॉक करता है कि आप उसका इंटरनेट जो है वो ना चला पाएँ। और गाइज जब वही पर्सन चाहे तो ही उस लॉक को खोल सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे खोलना है। तो गाइज खोलने के लिए आपको फिर से अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स में आने के बाद आपको गाइज यहाँ पर फिर से मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइस फिर से आपको वही सिम पे क्लिक करना है और LTE 3G 2G ऑटो कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप इतना करते हो तो आप देख सकते हो हमारे नेट का साइन जो सैम्बल जो है वो आ गया है और मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ और फिर से YouTube को ओपन कर आपको दिखाता हूँ हमारा YouTube जो है वो चलने लगेगा। तो देखिए मैं यहाँ से यूट्यूब को ओपन कर लिया हूँ और हमारा यूट्यूब जो है वो चलने लगा है। तो गाइस ये बहुत ही अच्छी से ट्रिक है, आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आया हो। और भी इसी तरह के ट्रिक्स पाने के लिए दोस्तों इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।